हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। बिलासपुर डिवीजन में सीसीटीसी का एग्जाम हुआ था, दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 29/5/2024 को। फर्स्ट शिफ्ट का हमने वीडियो डाला है और आज हम लेकर आए हैं सेकंड शिफ्ट का हल प्रश्न पत्र। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित जो है सेम पैटर्न पर इसमें पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम भी पूछा गया है। चलिए सीधा हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो भी कमेंट अवश्य करें। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, शिफ्ट टू लिखा गया है, सीसीटीसी का एग्जाम के लिए है। और ये जो 22/5/2023 का नोटिफिकेशन नंबर था, 48/2023, और एग्जाम का डेट है 29/5/2024। चलिए हम सीधा प्रश्न पर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिलासपुर डिवीजन, बिलासपुर का है। बिलासपुर डिवीजन सेम पहले जैसे था, फर्स्ट शिफ्ट का सेम है, 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है। शिफ्ट टू के प्रश्न पर सीधा हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। यदि कोई ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या है। सीधा सीधी है, 180 से को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 हो जाएगा आंसर। आंसर ऑप्शन बी है, 60 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए टेबल इज बॉट फॉर 1500 रुपीज एंड सोल्ड इन 1800 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि कोई टेबल 1500 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ कितना हो रहा है, 300 रुपये हो रहा है, तो 15 का कितना परसेंट है, 1500 का 1% इज इक्वल टू 300। जब आंसर निकालेंगे तो 20% आएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ मार्केट प्राइस ऑफ फैन इज 800 रुपीज विथ ए डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो 800 का, यहाँ नीचे हिंदी का देखेंगे पहले, यदि किसी पंखे का बाजार मूल 800 रुपये है तो 25% की छूट पर किस कीमत में बेची जाएगी। तो 800 का 25% कितना हो जाएगा, 800 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। और जब बेचा जाएगा तो कितना में, 800 - 200 यानी 600 में बेचा जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 9 ऑरेंज वेयर पैक्ड इन ए बॉक्स, हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी पैक्ड इन 40 बॉक्स। यदि एक बक्से में 9 संतरे पैक किए जा सकते हैं तो 40 बक्से में कितने संतरे पैक किए जाएंगे। उसमें आम के बारे में था, सेम क्वेश्चन ही लगभग है, तो यहाँ क्या है, 40 बक्से में, वहां जो है डिवीजन था, यहाँ जो है मल्टीप्लीकेशन होगा। 40 × 9 हो जाएगा, 40 × 9 कितना हो जाएगा, 360। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आलोक्स एज इज 30 ईयर्स लेस देन हिज फादर प्रभात एज। इफ प्रभात एज इज 59 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज आलोक। आलोक की उम्र अपने पिता प्रभात की उम्र से 30 वर्ष कम है। यदि प्रभात की उम्र 59 ईयर्स है, 59 वर्ष है, तो आलोक की उम्र क्या है। तो यहाँ सीधा क्या हो जाएगा, 59 में से हम 30 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 29। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक। यह जो है, जो ब्लैंक है उसमें क्या नंबर आएगा, इसको हमको रिक्त स्थान पर कौन सा नंबर आएगा उसे हमें देखना है। क्या करना है, 2, 4 - 16। तो 2, 4 - 16, यहाँ देख रहे हैं कि 2 इसका 2 गुना हो रहा है, 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फॉलोइंग। निम्न में इसका जो है दिया गया है उसका औसत क्या होगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 3, 5 + 9 तो कितना है, 7, 3, 10, 5, 15, 9, 24, 24 / 4 एवरेज क्या हो जाएगा, 6। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ विराट्स एज इज 37 ईयर्स एंड हिज सन अनुराग्स एज इज 1 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ हिज वाइफ अनुष्का। या यदि विराट की उम्र 37 वर्ष है और उसके पुत्र अनुराग की उम्र 1 वर्ष है तो उसकी पत्नी अनुष्का की उम्र क्या होगी। यहाँ जो है डाटा इनसफिशियंट है, यह जो है डाटा अपर्याप्त है, उसकी पत्नी की उम्र हम नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा ही सेम था जो उसमें आराध्या और ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में पूछा गया था, तो उसके पिता के बारे में पूछा गया, तो उसमें भी डाटा जो था अपर्याप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किस इकाई से नापी जाती है। यह जो है प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। आंसर ऑप्शन सी है, प्रकाश वर्ष।
पिछले प्रश्न में क्या था, दो स्टेशनों के बीच था, उसे किलोमीटर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ मनमोहन इज यंगर देन रवि एंड प्रशांत इज यंगर देन मनमोहन, हु इज द एल्डेस्ट। यदि मनमोहन की उम्र रवि से कम है, मनमोहन यहाँ है, यहाँ रवि है, प्रशांत की उम्र मनमोहन से कम है, तो प्रशांत कहाँ आ गया, प्रशांत नीचे आ गया, तो सबसे उम्र दराज कौन है, सबसे ज्यादा उम्र वाला कौन है, तो रवि हो गया, आंसर ऑप्शन बी है, रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अभी इंग्लिश से संबंधित है, प्लूरल ऑफ टूथ, सेम उसमें क्या था, ओमेन आया था, यहाँ ओमेन था, तो प्लूरल का इसका टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बेबी ऑफ कैट इज कॉल्ड, उसमें क्या था, उसमें डॉग का पूछा गया, यहाँ कैट का किटन होता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द जेंडर ऑफ मेल, मेल का फीमेल हो जाएगा, मैस्कुलिन जो है यहाँ फेमिनिन हो जाएगा, फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री का उल्टा बताना है, तो प्लीज टीयरफुल सैड नन ऑफ दी, तो प्लीज खुश, यहाँ जो है एंग्री गुस्सा और प्लीज मतलब खुश, आंसर ऑप्शन ए है, प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, न्यू, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी एंड एंशियंट, एंशियंट जो है प्राचीन, यह जो है उसका उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पिक द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग हमको बताना है जो सही है, इंफॉर्मेशन का करेक्ट स्पेलिंग होगा, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, आंसर ऑप्शन बी है, उसमें करेक्शन का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सेम वैसे सेम पैटर्न पे इसमें भी पूछा गया है, तो यहाँ जो आंसर होगा वह द डेंजर विल कंटिन्यू टू ग्रो, आंसर ऑप्शन सी होगा, यह जो है करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर समीर इज डैश इंजीनियर, मिस्टर समीर इज एन इंजीनियर, ए एन और द तीन होता है आर्टिकल, उससे संबंधित है, तो ई जो है वॉवेल है पहला, इसके पहले एन लगेगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ एराइज, एराइज एरोज और एराइजन होता है, तो पास्ट पूछा गया है, तो यहाँ पास्ट क्या हो जाएगा, एरोज, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रमेश इज डैश देन गणेश, यहाँ क्या जो है तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, तुलना किया जा रहा है, तो तुलना है, कंपेरेटिव डिग्री का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई आर वाला हो जाएगा, स्मार्टर हो जाएगा, रमेश इज स्मार्टर देन गणेश, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो रायगढ़ को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फेमस हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है, मैसूर, गोवा, मसूरी, रामेश्वरम, इसमें जो है मसूरी यह जो है हिल स्टेशन है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज नेवर बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रही हैं, इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल रहे हैं, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, आंसर ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एड्स इज कॉज्ड बाई, एड्स किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से, नन ऑफ दी एबव, तो एड्स जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है, पहला हम देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको एड्स को कहा जाता है, और इसको जो है HIV के नाम से भी जाना जाता है, तो HIV का ही फुल फॉर्म होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो यह जो है वायरस यहाँ होगा, वायरस से एड्स प्रभावित होता है, वायरस से एड्स होता है, आंसर ऑप्शन बी है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, उस प्रश्न में क्या पूछा गया था, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यह जो है शूटिंग से, अभिनव बिंद्रा किस स्किल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन आवर बॉडी, कौन सा अंग शरीर में रक्त को शुद्ध करता है, तो यह जो है किडनी हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच इज आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, आंसर ऑप्शन सी है, लोटस कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट ही सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा चोटी है, आंसर ऑप्शन बी है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
हु इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है। पिछले प्रश्न में मिसाइल का जनक पूछा गया था, इसमें जो कि विक्रम साराभाई थे, इसमें पूछा गया है मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो इसके लिए जो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन है। जो अभी वर्तमान में है जया वर्मा सिन्हा, वही जो है अभी है, आंसर ऑप्शन सी है, मैं प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु हेड्स द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट इन डिवीजन, मंडल में वाणिज्य विभाग का मुखिया कौन होता है। पिछले प्रश्न में जून के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ जो है सीनियर डीसीएम रहेंगे, आंसर ऑप्शन ए है, वरिष्ठ मंडल पर वाणिज्य प्रबंधक, सीनियर डीसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच सिटी डज नॉट हैव ए मेट्रो सिस्टम, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, किस शहर में मेट्रो सिस्टम नहीं है। दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, लखनऊ में है, आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इन तीनों शहरों में जो है मेट्रो चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन, भारत की कौन सी राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। यह जो है सिक्किम में नहीं है, पिछले प्रश्न में भी सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु हेड्स द डिविजनल रेलवे, मंडल रेलवे का मुखिया कौन होता है, डिवीजन का जो है मुखिया कौन होता है, तो डीआरएम होता है, आंसर ऑप्शन सी है, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द लॉन्गेस्ट जर्नी ट्रेन इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। यह जो है विवेक एक्सप्रेस है, आंसर ऑप्शन सी है, विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है और 4,154 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह जो है सबसे लंबा यात्रा करने वाला ट्रेन है, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ रेलवे स्टेशन, इनमें से कौन रेलवे स्टेशन का प्रकार नहीं है। ए क्लास स्टेशन होता है, बी क्लास स्टेशन होता है, सी स्पेशल क्लास स्टेशन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तीनों होता है। यहाँ जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, प्रकार नहीं है पूछा गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, भारत का प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यह जो है हबीबगंज है, आंसर ऑप्शन डी है, हबीबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु वेयर द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। पीयूष गोयल भी रह चुके हैं, सुरेश प्रभु ये भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार ये भी रह चुके हैं, उपरोक्त सभी, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज टू बी चार्ज्ड, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किराया लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है, सभी क्लास में बिना शुल्क ले जाया जाता है, उन्हें कैरिड फ्री इन ऑल द क्लासेस, आंसर ऑप्शन सी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को टिकट नहीं लगता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन स्लीपर क्लास फॉर तत्काल टिकट, तत्काल टिकट के लिए जो है तत्काल स्कीम के तहत स्लीपर क्लास में टिकट के निर्धारण के लिए न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी इसके लिए 500 किलोमीटर है, आंसर ऑप्शन बी है, 500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वैलिडिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट ए, प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी कितना होता है, 2 घंटे होता है, 2 आवर्स इसमें नहीं है, एन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फ्री अलायंस ऑफ लगेज इन फॉर फर्स्ट क्लास इज, फर्स्ट क्लास में लगेज का फ्री अलायंस है, लगेज का फ्री अलायंस जो है 40 kg होता है, आंसर ऑप्शन सी है। इसमें देखेंगे फर्स्ट एसी और फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी जो रहता है, फर्स्ट एसी इसमें जो है 50 kg होता है, और फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड एसी इसमें जो है 40 kg होता है, थर्ड एसी, एसी सीसी, एसी चेयर कार जो रहता है, और स्लीपर क्लास इसमें जो है फ्रीलेंस 35 kg होता है। ये तीनों याद रखें तो आप इस तरह के जो प्रश्न जो है पूरी तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ जर्नी टिकट, इनमें से कौन सा यात्रा टिकट नहीं है, मासिक टिकट, इन रेल पास, तत्काल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट जो है वह जर्नी टिकट नहीं है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, तत्काल टिकट्स कैन नॉट बी बुक्ड फॉर, तत्काल टिकट निम्न से किसके लिए बुक नहीं किया जा सकता, AC 3 का होता है, AC 2 का होता है, AC 1 का नहीं होता है, आंसर ऑप्शन सी है, AC 1, AC फर्स्ट के लिए जो है तत्काल टिकट बुक नहीं होता है, आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ब्रेक जर्नी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉलोइंग ट्रेन। यात्रा विराम की सुविधा किस ट्रेन में उपलब्ध नहीं है? राजधानी में, शताब्दी में, जन शताब्दी में, उपरोक्त सभी, ये सभी में जो है यात्रा विराम की अनुमति नहीं है, ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक जर्नी अलाउड फॉर ए सिंगल जर्नी टिकट। एकल यात्रा टिकट में अधिकतम कितने विराम लिए जा सकते हैं, ब्रेक जर्नी लिया जा सकता है? तो अधिकतम जो है दो ब्रेक जर्नी लिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, टू। लेकिन उसके लिए क्या है, 1000 से अधिक किलोमीटर का टिकट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस? यूटीएस का फुल फॉर्म को पूर्ण नाम क्या होता है? अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। आंसर ऑप्शन ए है, यूटीएस का फुल फॉर्म अनारक्षित टिकट प्रणाली। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। विच कंसेशन गिवेन वाइल बुकिंग ऑनलाइन टिकट? ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय कौन से छूट प्रदान किया जाता है? पहले जो है वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता था, लेकिन आजकल जो है कोई भी छूट नहीं दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी एक्सेप्टेड एज पार्सल? निम्न में से कौन सा पार्सल के रूप में बुक किया जा सकता है? मोटरसाइकिल, कार, टेबल, ये सभी, ऑल ऑफ दी जो है इसे पार्सल के रूप में बुक किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर पार्सल ट्रैफिक? पार्सल बुक करने हेतु न्यूनतम चार्जिंग दूरी क्या है? इसके लिए जो है न्यूनतम 50 किलोमीटर का चार्ज किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पार्सल बे बिल इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज? पार्सल बे बिल कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? ये सेम क्वेश्चन पहले आया था पिछले वाले में, यह भी जो है 4 कॉपी में तैयार किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द स्टैंडर्ड चार्जेबल वेट ऑफ ह्यूमन एस इन केजी? मानव राख का मानक चार्जेबल वजन कितना होता है? तो राख के लिए जो है यह 20 केजी होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 20 केजी। लेकिन उस पिछले में जो क्या पूछा गया था, ह्यूमन बॉडी पूछा गया था, वह जो है 200 केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। विच आर द स्केल ऑफ पार्सल सर्विस? पार्सल सर्विस के स्केल कौन कौन से हैं? लो रेट, हाई रेट, सीलिंग रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। पार्सल का जो रेट होता है वह एस होता है, पी होता है और आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। ऑल पार्सल शैल बी बुक्ड वाया? सभी पार्सल की बुकिंग निम्न रूट से होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट रूट, चीपेस्ट रूट, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चीपेस्ट रूट नहीं, अगर शॉर्टेस्ट रूट रहता, पिछले वाले में शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट रूट, तो वो आंसर सही हुआ था। तो यहाँ शॉर्टेस्ट होना चाहिए था, यहाँ जो है आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। लाइव पोल्ट्री कैन बी बुक्ड इन? जीवित पोल्ट्री बुक की जा सकती है किसमें? ब्रेकवेन में से बुक किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। मिनिमम चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ ह्यूमन कॉर्प्स? मानव शव के बुकिंग के लिए न्यूनतम किराया है, उसमें जो है उसका वेट पूछा गया था, और यहाँ जो है न्यूनतम किराया पूछा गया है। तो न्यूनतम किराया जो है 50 रुपीज, कम से कम 50 रुपीज होगा। आंसर ऑप्शन सी है, 50 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। मिनिमम चार्जेस फॉर पार्सल सर्विस इज? पार्सल सर्विस हेतु न्यूनतम दर है, कम से कम 30 रुपया लिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, ₹30। सेम क्वेश्चन पिछले में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। विच आर्टिकल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज पर रेट टैरिफ रूल्स? रेट टैरिफ रूल के अनुसार कौन सा आर्टिकल बुक नहीं किए जा सकते हैं? कार, मोटरसाइकिल, टेलीविजन, ऑल ऑफ दी, ये सभी जो है बुक किए जा सकते हैं, बुक नहीं किए जा सकते हैं आया है। ऑल जो है होगा, ऑल सभी बुक किए जा सकते हैं, रेट टैरिफ के अनुसार बुक नहीं किए जाते, उपरोक्त सभी बुक किए जा सकते हैं। ये जो ऑप्शन जो है, ऑल ऑफ दी एबव, बुक किए जा सकते हैं, बुक किए जा सकते हैं होना चाहिए था, एक्सेप्ट यहाँ कॉन नॉट बी एक्सेप्टेड लिखा, यहाँ जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। फॉरवर्डिंग नोट इज रिक्वायर्ड फॉर बुकिंग? फॉरवर्डिंग नोट की आवश्यकता कौन सी बुकिंग के लिए होता है? टिकट के लिए, गुड्स के लिए, बोथ्स के लिए, दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है गुड्स के लिए जो है फॉरवर्डिंग नोट लगता है। आंसर ऑप्शन बी है, गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। वैगन रजिस्ट्रेशन फी इज नॉट कलेक्टेड फॉर बुकिंग ऑफ कोल, सीमेंट, आरएमसी, ऑल ऑफ दी अबव? किसकी बुकिंग के लिए वैगन रजिस्ट्रेशन फीस की आवश्यकता नहीं होती है? कोल, सीमेंट, आरएमसी, आरएमसी के लिए नहीं होती है। यह क्या होता है, आरएमसी क्या है, रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट, इसके लिए फॉरवर्डिंग नोट, रजिस्ट्रेशन फी, वैगन रजिस्ट्रेशन फी लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेलवे का ही मटेरियल रहता है। आंसर ऑप्शन सी है, आरएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63।
प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर इज इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर एक्ट रेलवे एक्ट के किस धारा के तहत जारी किए जाते हैं? धारा 71 के अंतर्गत, 71 के अंतर्गत जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है 71। इसमें देखेंगे 69 क्या होता है। 69 जो है रेल डाइवर्ट रूट करके चलाया जाता है, उसके लिए 69 होता है। 70 जो है 70 क्या होता है, माल ढुलाई में किसी भी को वरीयता नहीं देना चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के अवसर पर जो है अवसर पर इसे जारी किया जाता है, तो यह जो है 70 के अंतर्गत होता है। और सेक्शन 72 जो है वैगन एवं ट्रकों के लिए मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के बारे में होता है। तो ये चारों जो है हमने बताया, चारों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रायोरिटी अंडर PTO? प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर के अनुसार कौन सी प्राथमिकता का प्रकार नहीं है? यह जो है प्रायोरिटी एफ जो है प्राथमिकता का प्रकार नहीं है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मिलिट्री ट्रैफिक कम्स अंडर विच प्रायोरिटी? मिलिट्री ट्रैफिक कौन सी प्राथमिकता सूची में आता है? यह जो है नंबर वन में आता है, ए प्रायोरिटी में आता है, आंसर ऑप्शन ए है, प्रायोरिटी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, स्टैकिंग परमिशन इज ग्रांटेड बाई होम? स्टैकिंग परमिशन कौन प्रदान करता है? यह सीनियर डीसीएम के द्वारा दिया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इन एबसेंस ऑफ रेलवे रिसिप्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स डन बाई, रेलवे रिसिप्ट नहीं होने पर गुड्स की डिलीवरी कैसे की जाती है? तो जो है इंडेमनिटी बॉन्ड जो है जमा करने के बाद किया जाता है, आंसर ऑप्शन डी है, ऑन एक्सक्यूशन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्रेजेंस ऑफ RPF इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ, RPF की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ओपन डिलीवरी असेसमेंट डिलीवरी बोथ ए एंड बी, यहाँ जो है असेसमेंट डिलीवरी में RPF की जरूरत नहीं है, ओपन डिलीवरी में आवश्यकता होती है। पिछले में पूछा गया था ओपन डिलीवरी, RPF की आवश्यकता है किसमें, ओपन डिलीवरी में, और यहाँ जो है नॉट मैंडेटरी, यहाँ अनिवार्य नहीं पूछा गया, अनिवार्य नहीं, तो यह जो है असेसमेंट डिलीवरी में इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वार्फेज इज कलेक्टेड फॉर, वार्फेज किसके लिए चार्ज किया जाता है? वार्फ में डिटेंशन हेतु, मतलब जो रेलवे का गुडसेड है उसको खाली नहीं करने के लिए, उस पर जो है वार्फेज लिया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, वार्फ में डिटेंशन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन स्टेशन आउट स्टैंडिंग, निम्नलिखित में स्टेशन आउट स्टैंडिंग में शामिल किया जाता है, किसे, इंप्रेस्ड कैश को शामिल किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, इंप्रेस्ड कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच इज इंक्लूडेड इन फैमिली एज पर रेलवे पास रूल्स, रेलवे पास रूल के अनुसार कौन फैमिली में शामिल है? स्पाउस, अविवाहित बेटी, इनवैलिड पुत्र, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है शामिल है, उसमें पूछा गया था कौन शामिल नहीं है, तो उसमें आंसर था अविवाहित पुत्र, सॉरी विवाहित पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच इज ए टाइप ऑफ पास इन रेलवे, स्टूडेंट पास, विडो पास, रेसिडेंशियल पास, और इनमें से कौन सा पास का प्रकार है? ये सभी जो है पास का प्रकार है, आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी पास है, पिछले में ट्रेन पास पूछा गया था जो पास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास, प्रिविलेज पास की वैधता कितने होते हैं? तो 5 महीने होता है, आंसर ऑप्शन बी है, 5 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर गोल्ड पास, GM, CRB, CRS और DRM जो है उनको गोल्ड पास नहीं मिलता है, आंसर ऑप्शन डी है, गोल्ड पास का अधिकारी कौन नहीं है, तो DRM नहीं है, उनको गोल्ड पास नहीं मिलता है, यहाँ जो है GM और CRB और CRS इनको गोल्ड पास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ड्यूटी पास आर नॉट एडमिसेबल ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ लीव, LAP, LHAP बोथ A&B, नन ऑफ दी अबव, ड्यूटी पास कौन सी छुट्टी में मान्य नहीं होता है? तो LAP, LHAP, LHAP, A&B दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, यह जो है दोनों में नहीं होता है, ड्यूटी पास LHAP में नहीं होता है, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी पर जाने के समय पर ही ड्यूटी पास लिया जाता है, जैसे मेडिकल के लिए गए, रिप्रेशर कोर्स के लिए गए, या कोई अन्य कार्य के लिए ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है, तो उस समय पर जो है ड्यूटी पास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मच फेयर टू बी पेड इफ टिकट इज बुक्ड ऑन PTO, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, PTO के द्वारा टिकट बुक करने पर कितना किराया देना होता है? तो 1/3 किराया पे करना होता है, आंसर ऑप्शन ए है, 1/3। सेम क्वेश्चन पिछले में भी पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज, पास होल्डर का अटेंडेंट कौन होता है? पूरी सैलरी पर काम करने वाला सेवक, फुल टाइम पेड सर्वेंट, वह जो है अटेंडेंट होता है, सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, यहाँ आंसर ऑप्शन ए है, फुल टाइम पेड सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78,
मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जब कोई ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो है जा रहे हैं और उनको रिजर्वेशन में कितने अधिकतम सीटें आवंटित किए जा सकते हैं, तो अधिकतम 4 सीटें आवंटित किए जा सकते हैं, उन्हें सेंक्शन किया जा सकता है, उन्हें दिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन हायर क्लास पास इशूड, उच्चतम श्रेणी के पास कब जारी किए जाते हैं, मेडिकल ग्राउंड पर जो है हायर क्लास का पास इशू किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, प्रिविलेज पास इज एडमिसेबल व्हेन स्टाफ इज ऑन, प्रिविलेज पास मान्य होते हैं किसी भी प्रकार की छुट्टी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में, औसत वैतनिक अवकाश में, शिक्षा अवकाश में, या जो है किसी भी प्रकार के अवकाश में, आपका पर्सनल है ये, तो प्रिविलेज पास आप यूज कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ लीव, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विथ वैकेशन इन केस ऑफ, कौन से कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के अवकाश को एक साथ लिया जा सकता है, तो रनिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, रेलवे स्कूल स्टाफ, तो रेलवे स्कूल स्टाफ है, इनको किसी प्रकार का जो है छुट्टी को कंबाइन करके और लिया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, रेलवे स्कूल स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी डेज ऑफ एलएपी पर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू रेलवे स्कूल स्टाफ, रेलवे स्कूल स्टाफ को एक वर्ष में कितने एलएपी प्रदान किए जाते हैं, सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है, आंसर ऑप्शन कितना है, बी है, आंसर ऑप्शन बी 10 डेज, इनको 6 महीने में 5 दिन दिया जाता है, 12 महीने में कितना हो जाएगा, 10 दिन एलएपी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर एलिजिबल टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव, कौन से रेलवे के कर्मचारी अतिरिक्त कैजुअल लीव, अतिरिक्त सीएल के पात्र होते हैं, ये जो है एनएफआर के जो होते हैं, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के जो स्टाफ होते हैं उनको एक्स्ट्रा सीएल मिलता है, सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अब्रोड, विदेश में पढ़ने हेतु स्टडी लीव किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सेंक्शन किया जाता है, तो जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, रेलवे बोर्ड, सेम क्वेश्चन भी उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज, पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए, अतिरिक्त अवकाश 15 दिन के लिए दिया जाता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इन केस ऑफ अबॉर्शन मैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज, अबॉर्शन के केस में मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है, सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, मातृत्व अवकाश और मिसकैरेज दोनों भी पूछा गया था, मातृत्व अवकाश में अबॉर्शन एंड मिसकैरेज दोनों के बारे में पूछा गया था कि मातृत्व अवकाश कितना दिया जाता है, तो समय पर 45 डेज दिया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, पैटर्निटी लीव कैन बी टेकन विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ चाइल्ड्स बर्थ, पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के कितने दिनों के भीतर लिया जा सकता है, या जो है 6 महीना है, आंसर ऑप्शन ए है, 6 मंथ के अंदर लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, मैक्सिमम डेज ऑफ एलएपी दैट कैन बी एक्युमुलेटेड, एलएपी अधिकतम कितने दिनों के लिए एकत्रित किया जा सकता है, तो यह जो है 300 दिन के लिए किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, 300 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मेल रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्वाइविंग चिल्ड्रेन लेस देन 2, 1, 3, 4, एक पुरुष रेलवे कर्मचारी को पैतृत्व अवकाश दिया जा सकता है यदि उसकी जीवित संतान है, 2 से कम, 1, 2, 3, 4, यहाँ जो है 2 होना चाहिए, 2 तक के मिलता है, 2 बच्चे तक के लिए मिलता है, यहाँ 2 से कम लिखा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आंसर होना चाहिए, यहाँ 2 इसका जो सही आंसर है 2 बच्चों के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एलएपी शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, एक रेलवे सर्वेंट को औसत वैतनिक अवकाश किस दर से दी जाती है, तो यह जो है 2.5 दिन पर महीने के हिसाब से, 2.5 डेज पर मंथ, 2.5 डेज पर मंथ के हिसाब से, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन RSD&A रूल्स, रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत रूल बनाने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं, तो यह जो है राष्ट्रपति के आदेश से बनाया जाता है, प्रेसिडेंट, आंसर ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर सस्पेंशन इज, सस्पेंशन के लिए निलंबन हेतु स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होता है, आंसर ऑप्शन ए है, SF1। SF2 क्या होता है, यह जो है डिम्ड सस्पेंशन, पिछली बार में पूछा गया था डिम्ड सस्पेंशन, और SF3 जो होता है वह नन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है, नन एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे कहीं भी फिर से उसको कोई भी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, तो यह नन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसको इशू किया जाता है SF3 में, और SF4 जो होता है वह सस्पेंशन रिवोक होता है, पुट बैक टू ड्यूटी, सस्पेंशन रिवोक, सस्पेंशन वापस लिया गया और पुट बैक टू, उसे ड्यूटी लाया जाता है, तो SF4
इसे इशू किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है यहाँ, SF1 सस्पेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर डीम्ड सस्पेंशन। ऊपर हमने बताया SF2, आंसर ऑप्शन बी है SF2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हाउ मेनी अनेक्सर आर अटैच विथ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम। मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम में कितने संलग्न होते हैं, इसमें चार होते हैं। सेम प्रश्न पिछले में भी पूछा गया था, आंसर ऑप्शन बी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस विच डिडक्शन कैन बी मेड। निर्वाह भत्ता में कौन सी कटौतियां की जा सकती है, उसमें पूछा गया था कि कौन सी नहीं की जा सकती है। तो PF वाला नहीं किया जाता था, यहाँ जो है मकान किराया हाउस रेंट कटौती किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर इशुएंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट। मेजर पेनाल्टी के लिए SF5, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट के कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म लाया जाता है, SF5 के दिया जाता है, SF11 माइनर के लिए होता है, SF1 सस्पेंशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ RSD&A रूल्स 1968 स्पेसिफाई द पेनाल्टी। रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स 1968 का कौन सा रूल पेनाल्टी को विशेषीकृत करता है, स्पेशलाइज करता है, यह जो है रूल 6 होता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वेन कैजुअल लेबर्स कैन बी गवर्न अंडर DA रूल्स। कैजुअल लेबर डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत कब आते हैं, तो जब अस्थायी स्टेटस जो है प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है उन्हें D&A रूल के अंतर्गत आ जाते हैं, आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 99, भी चीजें टाइप ऑफ माइनर पेनाल्टी, इनमें से कौन सा माइनर पेनाल्टी का प्रकार है, निंदा, कंपल्सरी रिटर्नमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। इसमें जो है सेंसर, निंदा जो है माइनर पेनाल्टी है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल टू। एक निलंबित रेल कर्मचारी PNM मुख्यालय छोड़ सकता है, PNM में भाग ले सकता है, डिफेंस काउंसिल बन सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो है डिफेंस काउंसिल में बन सकता है, डिफेंस काउंसिल वह एक्ट है, डिफेंस काउंसिल वह कार्य कर सकता है, डिफेंस काउंसिल बन सकता है, आंसर ऑप्शन सी है। लास्ट पिछले प्रश्न में भी वह पूछा गया था। नेक्स्ट अब जो है 101 से लेकर 110 तक राजभाषा के प्रश्न है, इसमें जो राजभाषा के प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया है, जो जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सेम जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, सिर्फ जो है सीरियल नंबर ऊपर नीचे कर दिया गया है। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। 101, संविधान के भाग 17 किससे संबंधित है, संविधान का भाग 17 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है, आंसर ऑप्शन ए है। 102, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 103, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है, यह संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 104, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ, यह जो 1967 में हुआ, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 106, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, इसमें 22 भाषाएं शामिल है, आंसर ऑप्शन ए है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ, यह जो है 1987 में हुआ, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट 109, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, आंसर ऑप्शन सी है 30, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और उपरोक्त सभी, या जो है उपरोक्त सभी, ये सभी जो है हिंदी पाठ्यक्रम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, आंसर ऑप्शन डी है। तो आज हमने सेकंड शिफ्ट का सभी 110 प्रश्न लिए है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन कहीं गलत हो, अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी करने की दृष्टि से, आपके प्रिपरेशन के लिए ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हम आपके परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, और सफलता की कामना करते हुए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।